सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो जन जन को ज्ञान देते हो नारद जी। अब सुखदेव का अवतार होना है तो बड़ी सुंदर लीला प्रभु कर रहे हैं। नारद जी गए पार्वती से, पूछते हैं देवी गृहस्थी कैसी है, सब ठीक ठाक तो है? पार्वती कहती हाँ महाराज, बड़ा प्रेम है, शंकर जी हमें बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहते नहीं, हो नहीं सकता। क्यों? कहते हमें नहीं लगता। पार्वती कहती अरे बाबा कैसी बात करते हो, शंकर जी तो समाधि में भी है ना, समाधि में भी जब नंद नंदन का दर्शन करते हैं, मेरे ठाकुर का दर्शन करते हैं, सबसे पहले हमें बताते हैं देवी जी आज ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे। नारद जी कहते हैं देवी सुनो, यदि शंकर जी तुमसे प्रेम करते हैं तो आज भोलेनाथ समाधि से उठे उनसे पूछना, ये जो मुंडों की माला गले में छाती से लगाकर 2400 घंटे घूमते हैं वो किसकी है? अब देवी जी थी, मन में शंका पड़ गई। अब माताओं को थोड़ी सी भी गलत फहमी हो जाए फिर तो। अब महाराज पार्वती ने सोचा बात तो सही है, बाबा सही कह रहे हैं। अब बाबा की समाधि खुली तो पुराने जमाने में क्या होता था कि माताएं जब रूठती थी ना, देवियां जब रूठती थी, उनके लिए अलग से कमरा, जैसे आजकल बनाते ना अलग से, ड्राइंग रूम अलग रहता है, अलग अलग व्यवस्थाएं, तो उन जमाने में अलग से कमरा बनता था, कोप भवन। कोई रूठे तो जाकर कोप भवन बैठ जाए। अब कुछ लोग कहते हैं आजकल क्यों नहीं होता, अब भी होना चाहिए। भैया आजकल इसलिए नहीं होना चाहिए, देवी जी रसोई में कम मिलेगी और कोप भवन में ज्यादा मिलेगी, इसलिए लोग कहते हैं कि सब चलेगा लेकिन कोप भवन नहीं होना चाहिए। अब पार्वती तो कोप भवन में बैठ गई, शंकर जी गए जाकर के मना रहे हैं। पार्वती कहती बाबा हमें लगता है आप हमें प्रेम तो बिल्कुल नहीं करते। कहते अरे देवी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कहते कोई प्रमाण है? कहते हाँ, तुम्हें क्यों लगता है? पार्वती कहती बाबा ये बताओ, हमें प्रेम करते हो तो मुंडों की माला 2400 घंटे जो गले में टांग करके छाती से लटका करके घूमते किसकी है? शंकर जी कहते हैं देवी सुनो, ये प्रमाण पत्र है कि मैं प्रेम तो केवल पार्वती से ही करता हूं। कैसे? कैसा? कहते हैं देवी सुनो, जब जब भी तुम देह का त्याग करती हो तब तब मैं तुम्हारा मुंड लेकर के अपनी माला में पिरो करके छाती से लगाता हूँ, प्रेम तो तुम ही से करता हूँ। अब तो देवी ने महाराज और पीठ घुमा ली। कहते अब तो पक्का विश्वास हो गया आप प्रेम तो हमसे बिल्कुल नहीं करते। क्यों? कहते महाराज हम 108 बार हमारा अवतार हो गया, हम जन्म भी लिया, हमने देह का त्याग भी किया और आप एक बार भी नहीं मरे। कोई अमृत बूटी पीकर आए हैं जो आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं हुई? शंकर जी कहते देवी सुनो, हमने अमर कथा सुनी है। देवी कहती हमें क्यों नहीं सुनाई? कहते देवी कभी आपने पूछा नहीं, खुद से हमने कभी कहा नहीं। कहते महाराज वो अमृत कथा हम भी सुनाई है। शंकर जी कहते बाकी सब ठीक है, चलो अमर कथा हम सुनाते हैं लेकिन ये जगह उचित नहीं है। तो कैलाश से आज अमरनाथ की गुफा की ओर चल दिए। पार्वती संग है, नंदी पे सवार है, शेषनांग कंठ में धारण है और संग में पार्वती को लेकर जैसे ही भोलेनाथ गए एक जगह आ गई जहां पर नंदी को बांध दिया खूंटे से। कहते यहां से आगे नंदी भी नहीं जाएगा। बेल बांधा सो बेलगांव हो गया, बदलते बदलते आजकल पेलगांव हो गया। एक जगह स्थान पर नंदी को बांधा, थोड़े आगे गए, गले का शेषनांग उतारा, उतार के धर दिया, शेषनांग के नाम से उस स्थान प्रसिद्ध हो गया। अमरनाथ की गुफा में बैठे, अपना त्रिशूल घुमाया, जितने पशु पक्षी थे सब उड़ करके चले गए। लेकिन महाराज उस समय एक मैना ने, एक शुक ने अंडा दिया था, वो अंडा घोंसले से नीचे गिरा, गिर करके टूट करके विगलित हो गया। शंकर जी बैठे, बैठ करके पार्वती कथा सुन रही है। सो कथा का नियम है देवी बीच बीच में ओम ओम कहें ताकि मुझे पता चले कि तुम ध्यान से कथा सुन रही हो, क्योंकि कथा में नींद अच्छी आती। अब शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, ओम ओम का उच्चारण आज माँ पार्वती करती है।
भगवान की दिव्य भागवत कथा प्रारंभ हुई। महाराज जी अमर कथा, सब लोग कहते हैं ना कि अमर कथा कौन सी है, पार्वती को शंकर ने अमर कथा तो सुनाई लेकिन वो अमर कथा कौन सी है, वो अमर कथा भागवत है। और इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण भागवत का मंगला चरण है। व्यास जी ने कहा, निगम कल्प तरूर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। अमृत द्रव्य अर्थात अमृत द्रव्य से परिपूर्ण भागवत अर्थार्थी अमर कथा है। प्रथम दिन की कथा हुई, अंडा जो टूट करके विगलित हो गया था उससे एक नन्ना सा शुक प्रकट हुआ। दूसरे दिन की कथा में और बड़े, अब महाराज करते करते चौथे दिन की कथा आई। चौथे दिन की कथा तो हमारे लड्डू गोपाल की होती, साक्षात नंद नंदन भगवान अवतार लेते हैं, नंद नंद उत्सव होता है, साक्षात गोविंद का प्राकट्य होता है। चौथे दिन की कथा हुई, कथा में जैसे ही भगवान नंद नंदक का उत्सव हुआ अब तो सुखदेव जी झूम झूम के आनंद से नंद उत्सव मना रहे हैं। पांचवें दिन की कथा पूर्ण हुई। छठे दिन की कथा में एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर प्रश्न किया, उद्धव पूछते हैं, प्रभु योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, अष्टांग योग को जरा विस्तार से बताइए। योग की चर्चा चली, ज्ञान की चर्चा चली, सो पार्वती को नींद आ गई, कथा में ही सो गई। सुखदेव ने सोचा, भैया यदि कथा रुक गई, यदि माता ने ओम ओम बोलना छोड़ दिया, माँ तो सो गई, तो बीच में सुखदेव ही ओम ओम उच्चारण करने लगे। सात दिन की कथा पूरी हुई, शंकर जी आंख मूंद करके कथा करते हैं। सातवें दिन की कथा पूर्ण होते ही कहते हैं, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और देखते ही पार्वती की आंख खुली, आंख खुल करके कहते, बाबा उद्धव ने प्रश्न किया था, भगवान ने जवाब कौन सा दिया। कहते, अरे देवी कथा तो सात दिन की पूरी भी हो गई, आप कहां थी। कहते, हम सो रहे थे। तो कथा किसने सुनी, बीच बीच में ओम का उच्चारण तो किसी ने किया। मुड़कर के देखा तो सुखदेव जी थे, उठाया त्रिशूल और सुखदेव के पीछे, आगे आगे सुखदेव और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। चलते चलते उत्तराखंड के श्री धाम बद्रीनाथ आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी की सुंदर कुटिया, समप्रयास नाम का सुंदर आश्रम, इनकी धर्म पत्नी बटिका देवी। दोपहर का समय है, सो नींद नींद में जमाई ले रही है। जमाई के लिए मुख खोला, सुखदेव ने सोचा इससे उचित स्थान नहीं मिलेगा। देखते देखते माता के मुख में प्रवेश किया और गर्भ में धारण हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। शंकर जी त्रिशूल लेके पहुंच गए, कहते तू बाहर आएगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। सुखदेव अंदर से कहते हैं, बाबा हमने सुना था आप भोलेनाथ हो, आज पता भी चल गया आप सच के ही भोलेनाथ हो। कैसे? कहते हैं, अरे बाबा खुद तो अमर कथा सुनाई और खुद कहते हो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्या अमर कथा सुनने वाला मरता है। शंकर जी कहते हैं, बात तो सही कह रहा है, हम तो चले कैलाश, अब भोलेनाथ तो कैलाश आ गए। इधर 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, 9 महीने गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, व्यास जी की धर्मपत्नी व्यास जी से कहती, बाबा हमारे गर्भ के शिशु गर्भ में बैठे बैठे वेद का मंत्र उच्चारण करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी कोई ऋषि संत महात्मा होंगे। अरे बाबा संत हो महात्मा हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज 12 वर्ष हो गए, 9 महीने का बच्चा जन्म लेता है, 12 वर्ष में भी जन्म नहीं लिया। व्यास जी ने पूछा, बेटा अब तो जन्म ले ले। सुखदेव अंदर से जवाब देते हैं, बाबा मैं जन्म नहीं ले सकता। क्यों? कहते हैं, गर्भ में रह कर के तो ब्रह्म संबंध है, गर्भ में बैठ कर के तो नित्य निरंतर कष्ट है, लेकिन फिर भी ब्रह्म चिंतन बना रहता है, प्रभु की याद बनी रहती है। लेकिन बाबा जैसे गर्भ का त्याग करूंगा ना, जैसे जन्म लूंगा, भगवान की माया लपेट लेगी, माया बड़ी प्रबल है, परमात्मा की माया लपेट लेगी। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध जिस समय घर का त्याग करते हैं ना, आत्मा बुद्ध जब घर का त्याग कर रहे हैं, माँ ने रोक दिया, बेटा कहाँ जाता है, तू मेरा संतान, तू मेरा पुत्र है, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तो धन्य है वो संत, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, माँ मैं इस मार्ग से इस रास्ते से आया हूं, मैं इस रास्ते से कथा के पंडाल में आया हूं,
और जाते हुए रास्ता कहते हैं, अरे भैया तू इधर से आया है, तू मेरा है, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तो गलती तो रास्ते की होगी। हम किसी मार्ग से इस रास्ते से अगर यहां तक पहुंचे पंडाल तक, पर रास्ता कहते हैं कि तू मेरा है, तो रास्ते की गलती होगी। इसलिए मां मैं ब्रह्म अंश हूं, मैं केवल परमात्मा का हूं, मैं तेरा नहीं हूं, तू तो एक मार्ग है धरती पर मुझे जन्म देने के लिए, मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। और इसी प्रकार आज माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ, सुखदेव ने घर का त्याग कर दिया।